वक्तव्य में कही है। तो ओवैसी के बयान को यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सांप्रदायिकता की राजनीति करार दिया। हमारे साथ में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं। तो जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जो ठोक दो पॉलिसी है उसके तहत 37% मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं उनकी नासमझी पे, उनके जो आंकड़े हैं उनके ज्ञान पर मुझे आश्चर्य होता है। एक जो नेता अपने आप को तथाकथित नेता कहते हैं वो इस प्रकार के गलत आंकड़ों को प्रस्तुत करेंगे और हर चीज़ में वो सांप्रदायिकता की बू देखेंगे। वो अपराधियों को धर्म के आधार पर आंक रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बारे में योगी सरकार का स्पष्ट मत है कि चाहे कोई जाति धर्म हो या कोई संप्रदाय हो, कोई मुरव्वत नहीं, अपराधी अपराधी है। इसलिए 25 जो लिस्टेड माफिया थे 24 जेल में है और कोई भी माफिया या कोई भी अपराधी सर उठाने की कोशिश करता है तो सरकार नियम के अनुसार उसके साथ व्यवहार करती है। आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो है भेदभाव हो रहा है और ये भी कह रहे हैं कि जो सांप्रदायिक माहौल है वो सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से बनाया। एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ बीजेपी सरकार में। कहाँ का सांप्रदायिक आधार पर बात करते हैं? आज जो मुस्लिम बंधुओं की आबादी यहाँ है उत्तर प्रदेश में 17-19% के आसपास होगी, लेकिन आज 35-36% तक का 37% तक का उनको जो हमारी योजनाएं हैं उसका लाभ मिल रहा है। कहाँ से सांप्रदायिकता है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में सबके साथ बराबरी का व्यवहार हो रहा है, यही हमारी सरकार की विशेषता है। क्या जिस तरीके से ठोक दो पॉलिसी की बात होती है उससे अपराध पर नियंत्रण हो पाया उत्तर प्रदेश? कहाँ ठोक दो, किसको ठोक दो, कौन ठोक रहा है? क्या पुलिस पे कोई अगर कोई आक्रमण करेगा पुलिस गुलाब का फूल लेकर चलेगी क्या? पुलिस नियम के अनुसार जनता का संरक्षण करते हुए अपराधियों के साथ में कानूनन व्यवहार करे, इसकी खुली छूट है पुलिस को। और पुलिस नियम के अनुसार विधिक प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए अपना काम करती है, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है कि पहले की तरीके से नहीं है कि थानों में किसी दल विशेष का आज पार्टी कार्यालय की तरह व्यवहार करने लगे, नहीं है। और अब अगली खबर।